हेलो दोस्तों दोस्तों धरती पर प्रलय आने को लेकर समय समय पर खबरें आती रहती है। एक बार फिर दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों ने प्रलय को लेकर चेतावनी दी है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी ऐसी बातें कही है जिनके बारे में जानकर आप हिल जाएंगे। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन नेचर ने वैज्ञानिकों का एक सर्वे किया है और इस मैगजीन ने IPCC की क्लाइमेट रिपोर्ट तैयार करने वाले वैज्ञानिकों को इस सर्वे में शामिल किया है। दोस्तों इस सर्वे में वैज्ञानिकों ने धरती पर हो रहे जलवायु परिवर्तन को लेकर कई बड़ी बातें बताई है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने धरती पर प्रलय के आने को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने इस सर्वे में बताया है कि धरती पर कब प्रलय आएगा और दुनिया में लोग बच्चे पैदा करें या ना करें, इसको लेकर भी बड़ी बातें कही है। तो दोस्तों आइए जानते हैं वैज्ञानिकों के उस रिपोर्ट के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दोस्तों वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस सदी के आखिर में धरती पर भीषण बदलाव देखने को मिलेगा। 2100 तक धरती पर होने वाले भयानक बदलाव प्रलय की तरह होंगे। दोस्तों दुनिया भर के 233 वैज्ञानिकों ने IPCC की क्लाइमेट रिपोर्ट को तैयार किया है। इन वैज्ञानिकों में कोलंबिया में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीकोइया की रिसर्चर पाओला एरियास भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से दुनिया में बदलाव हो रहे हैं, संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, प्रदूषण और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, इन सबके बीच जीना कठिन होने वाला है। वहीं बारिश के पैटर्न में बदलाव की वजह से पानी की समस्या पैदा होगी जिससे आगे जाकर और भी भयानक स्थिति होगी। दोस्तों पाओला एरियास ने चेतावनी देते हुए कहा कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वैसे ही समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है और इस रिपोर्ट से पता चलता है कि अब इंसानों के पास धरती को बचाने के लिए बहुत कम समय है। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीकोइया की रिसर्चर की इस बात से दुनिया के कई वैज्ञानिक सहमत है। नेचर जनरल के सर्वे में क्लाइमेट रिपोर्ट तैयार करने वाले 233 वैज्ञानिकों ने साफ कहा कि 2100 तक धरती पर इतनी आपदाएं आएगी जिसकी वजह से कई देश पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। दोस्तों बेमौसम बारिश, बादल फटने की घटना, सुनामी, सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं उत्पन्न होगी जिसके चलते इंसान परेशान हो जाएगा। दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण प्रलय जैसी आपदाएं आएगी। जलवायु परिवर्तन से कई पीढ़ियां परेशान रहेगी। दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि मन में सवाल यह खड़ा होता है कि बच्चे पैदा करें या नहीं, क्योंकि तबाह हो रही दुनिया में उन्हें लाने की क्या ज़रूरत है, हम उनको अच्छा भविष्य नहीं दे सकते। और उनका कहना है कि जब वे जलवायु परिवर्तन को लेकर सोचते हैं तो उनको बेचैनी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।